Hello everyone, welcome to IAS jugaad YouTube channel. I'm Dr. Preeti Sharma. अब हम अपनी नई environment and ecology की series start करने जा रहे हैं. वैसे तो environment and ecology subject pre and mains दोनों के लिए बहुत important है. लेकिन अगर मैं pre की बात करूँ तो environment की importance और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. जब से civil services और forest services दोनों का एंट्रेंस पेपर कॉमन हुआ है, तब से प्री में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि हमारी क्लासेस किस तरह रहेंगी. चलिए अब हम प्री का एनवायरनमेंट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जनरल साइंस. तो एज पर यूपीएससी हमें इस सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं करनी है. हमें एनवायरनमेंट की जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. एंड इंटरनेशनल लेवल पर जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और डेली न्यूज में है, तो हमें उनका भी आइडिया होना चाहिए. अब हम मेंस का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो जो मेंस का सिलेबस है वो मोस्टली अप्लाइड पार्ट है. जैसे प्री में हमने बहुत से कीवर्ड्स याद रखने होते हैं, लाइक की स्टोन स्पीशीज, इकोटोन, कमेंसलिज्म एक्सेट्रा. लेकिन मेंस में हम अप्लाइड पार्ट पर ज्यादा बात करेंगे. जैसे डेली एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा क्यों हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में क्या यूज है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है. अब हम देख लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में प्री में एनवायरमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है. जैसे 2015 में इसमें 13 क्वेश्चंस आए थे, 2016 की बात करें तो इसमें से 14 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में इसका रेशो थोड़ा बढ़ गया था और इसमें से 18 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में इसमें से 11 क्वेश्चंस आए थे और 2019 में अगेन इसमें से 12 क्वेश्चंस आए थे. तो एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो इस पोर्शन से आप 12 से 13 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हमने अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है एनवायरमेंटल बेसिक कंसेप्ट, सेकंड एनवायरमेंटल इश्यूज, थर्ड बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ कंजर्वेशन, फिफ्थ पॉल्यूशन, सिक्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव एंड सेवेंथ मिसलेनियस. फर्स्ट एनवायरमेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट में हम इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इकोटोन, इन सब के बारे में बात करेंगे. एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि सेकंड पॉइंट है, इसमें हम बायोमैग्निफिकेशन, बीओडी, सीओडी, यूट्रोफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, वेरियस एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, इसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट आपका आता है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट, जिसके अंदर हम डिफरेंट बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, फाइटोजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है कंजर्वेशन, जिसमें हम इनसिटू कंजर्वेशन एंड एक्सिटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे, आईयूसीएन और उसकी कैटेगरीज के बारे में स्टडी करेंगे, यूनेस्को एंड मैप प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हॉटस्पॉट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. पॉल्यूशन के बारे में हम वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इन सब पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इसमें जो भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी आजकल न्यूज में है, और जो भी रह जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो हम मिसलेनियस में स्टार्ट करेंगे. अब मैं आपको हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का शेड्यूल बता देती हूँ. इसमें हमारा फ्राइडे एंड सैटरडे वीक में 2 दिन लेक्चर रहेगा. जो भी आपको बताया जाए आप उसके नोट्स बना सकते हैं, जिससे क्विक रिविजन कर पाए. और मैं भी आपकी क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं लूंगी, जिससे आप जब भी फ्री हो इजीली ये लेक्चर देख पाए. इस इनिशिएटिव को आप अपने उन फ्रेंड्स तक प्लीज शेयर कर सकते हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं. फॉर डेली अपडेट ऑफ करंट अफेयर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट IAS jugaad.in. जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. For Telegram channel and Facebook, click link below. Thank you.